भारत में कोरोना की तीसरी लहर डेल्टा वेरिएंट के कारण आ सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। या हाय, दिस इज नितिन एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेल्टा वेरिएंट के बारे में। आखिर डेल्टा वेरिएंट क्या है, कितना घातक है, इससे क्या क्या लक्षण है, क्योंकि इसके जो लक्षण हैं वो नॉर्मल कोरोना वायरस से अभी तक जो भी देखे गए उससे बिल्कुल अलग है। और ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी तक जो भारत में इतनी तेज़ी से कोरोना वायरस फैलने का कारण भी एक डेल्टा वेरिएंट ही है। जी हाँ, जो कि सबसे पहले ब्राज़ील में देखा गया था, यानी कि ब्राज़ील के थ्रू भारत में आया है डेल्टा वेरिएंट। और इस दूसरा रीज़न है इसका एक गामा वेरिएंट जो कि दक्षिण अफ्रीका से आया है। तेज़ी से जो कोरोना वायरस भारत में फैला है और जो घातक सिद्ध हुआ है, इसका एक बड़ा रीज़न गामा वेरिएंट है कोरोना का। और जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है वो डेल्टा वेरिएंट, जो कि बाकी सब वायरस से ज़्यादा खतरनाक है और तीसरी लहर का एक रीज़न बन सकता है, ऐसा एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है। पर बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि ब्रिटेन में 80% लोगों को वैक्सीन देने के बाद भी, यानी कि वैक्सीन लगाने के बाद भी, वहाँ ब्रिटेन में तीसरी लहर देखा जा रहा है जिसका बड़ा रीज़न डेल्टा वेरिएंट है। तो जबकि भारत में पता है कि डेल्टा वेरिएंट तीसरी लहर का जिम्मेदार हो सकता है, फिर भी यहाँ वैक्सीन के कोविशील्ड के वैक्सीन में 3 महीने या 4 महीने का अंतर करना बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, ऐसा भी एक्सपर्ट्स का ही मानना है कि भारत सरकार द्वारा डिसीजन लिया गया है, जो डिसीजन है बहुत ही गलत है। इसे कम से कम 28 दिनों तक करना चाहिए, यानी कि 28 दिनों के अंतराल में देना चाहिए ताकि वैक्सीन का फ़ायदा हो और तीसरी लहर से बचा जा सके। खैर, भारत में कोरोना वायरस के असर धीरे धीरे कम होने लगे हैं, पर बाकी देशों में जैसे ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों में डेल्टा वेरिएंट के कारण कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अब बात करें डेल्टा वेरिएंट की, तो इसके जो लक्षणों के प्रकार है वो कोरोना वायरस से काफ़ी मिलते जुलते तो ही है, पर कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट इससे ज़्यादा खतरनाक है। अगर बात करें इसके लक्षणों की, तो इसमें अभी तक देखा जा रहा है मितली, उल्टी होना, पेट में दर्द, भूख न लगना, सर दर्द, खून के थक्के जमना, साथ ही साथ सुनाई कम देना और जोड़ों में दर्द। इसमें खास अगर लक्षण देखा जाए तो बहरापन जो हो रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके जो प्रभावी परिणाम होंगे, अगर एक बार आप बहरापन हो जाता है तो ये दोबारा ठीक नहीं होता। कई अस्पतालों में देखा जा रहा है, यानी कि अगर डॉक्टरों के अनुसार कहा जाए तो मरीजों में इसमें कई हद तक गैंग्रीन के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। गैंग्रीन, यहाँ मैं बता दूँ कि गैंग्रीन की बीमारी में तेज़ी से टिश्यू जो है उसके ऊतक नष्ट होने लगते हैं। टिश्यू नष्ट होने के कारण उस अंग में घाव हो जाती है और घाव बहुत तेज़ी से फैलने लगता है, और इसका इलाज अगर ना किया जाए तो पूरा शरीर में यह फैल सकता है। तो इसके कारण, यानी कि गैंग्रीन के कारण, कई मरीजों में उस अंग को निकालना पड़ रहा है। यहाँ तक कि ये गैंग्रीन बीमारी बच्चों में भी फैल रही है, यानी कि डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस का, जो कि बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। इसी कारण अभी तक 2 बच्चों की अंगलियों को काटना पड़ा है तथा एक मरीज के हाथ को भी काटना पड़ा है, क्योंकि अगर अंग को ना काटा गया हो तो घाव पूरे शरीर में तेज़ी से फैल सकता है और इससे मरीज की मौत तो होगी ही, पर पूरा शरीर बर्बाद हो जाता है। भारत में कोरोना वायरस की इतनी भयानक स्थिति का एक कारण ये भी है कि जो डेल्टा वेरिएंट है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और ये बच्चों में भी फैलता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छी बात यह है कि भारत में इसका असर थोड़ा कम हो रहा है, पर बुरी बात यह है कि अब डेल्टा का स्ट्रेन बदल के डेल्टा प्लस हो चुका है, जो कि ज़्यादा खतरनाक है। और रणदीप गुलेरिया के अनुसार भारत में तीसरी लहर डेल्टा के कारण ही आ सकती है, यानी कि डेल्टा वेरिएंट के कारण आ सकती है। खैर, भारत में इसका असर थोड़ा कम हो रहा है और अब सिंगापुर, ताइवान, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में यह पैर पसार रहा है।